क्वेश्चन है कि नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। मतलब ये यदि बाजार है, ये यदि बाजार है और ये क्या बोल सकते हैं उसका घर है। मतलब जब घर से वो बाजार जा रही तो कितनी दूरी पर है वो? 4 किलोमीटर पर है। नीना क्या कर रही है? घर से बाजार जा रही है, ठीक है। दूरी कितने है? 4 किलोमीटर। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन किया। गमन किया मतलब उसने साइकिल से यात्रा की। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है। अब क्या होती है रास्ते में? उसकी फ्रेंड मिल जाती है जिसका नाम क्या है? निखत है। जिससे वह रुक कर 15 मिनट बात करती है। इसके पश्चात वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। तो उसकी यात्रा की औसत चाल क्या है? हमें निकालना है कि औसत चाल। सबसे पहले बात होता है कि औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर वो होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो नीना के घर से जो बाजार है कितना दूरी पर है? वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बात होता है कि कुल समय कितना लग गया। सबसे पहले इस बात को पता कर लें कि आखिर वो जब अपनी यात्रा स्टार्ट की तो 10 मिनट में कितना दूरी वो चली। तो यहां से देखा जाए तो क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। उसकी चाल स्टार्टिंग में 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पर ये पता कर लें कि उसने इतने की चाल से कितना दूरी तय किया और समय कितना है? 10 मिनट। समय है 10 मिनट। तो क्या करेंगे? इस मिनट को चेंज करेंगे इसमें घंटा में। घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे। ये जो दूरी निकल के आएगा कितना आएगा? 12 × 10/60। यहाँ से आप देख सकते हैं 10 × 10 = 60 और 6 × 12 मतलब 2 किलोमीटर की क्या किया उसने? डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने मिनट में? 10 मिनट में। और जाना कितना है उसको? अभी कितना जाना है उसको? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और जाना है उसको। तो अभी क्या हुई कि अभी 2 किलोमीटर की हुई चल, तो क्या हुई उसके रास्ते में? क्या उसके मित्र मिल गए? तो जो नीना है वो 10 मिनट में कितना दूरी गई? 2 किलोमीटर। और अभी तो उसको 2 मिनट और जाना है क्योंकि उसके घर से जो बाजार है कितनी दूरी पर है? वो 4 किलोमीटर पे है। अब 10 मिनट में क्या हुई? वो गई 2 किलोमीटर। और उसके बाद से क्या हुई? रास्ते में क्या हुई? उसकी मित्र मिल गई निखत। और वो क्या हुआ उसे? वो 15 मिनट बात की। अब क्या हुआ उसके बाद से? वह अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या की? दोबारा स्टार्ट की। अब बात यह है कि अब उसको जो बची हुई दूरी है कितना है? 2 किलोमीटर में दूरी थी। और उसकी चाल कितनी है अब? 8 किलोमीटर। तो यहां से निकाल लें कितना समय उसको लग रहा है। यहां से मैं समय निकालना है। अब यहां से क्या होगा? इधर यदि समय का बराबर इधर समय का भाग है, इधर का समय का गुणा हो जाएगा बराबर 2। और अब यहां से समय कितना मिल गया हमको? 2/8। तो 2 × 2 = 8। अब देखिए पहला उसको लगा समय कितना? 10 मिनट। तो मिनट को बदलेंगे किसमें? घंटा में। 10/60 फिर क्या हुई? वो अपनी मित्र से क्या की? 15 मिनट बात की। उसको भी बदलेंगे घंटा में। 15/60 प्लस अब क्या हुआ उसको? 1/4 घंटा लगा। मतलब बोल सकते हैं क्या? 15 मिनट लगा। अब ये हो गया भिन्नों का जोड़। सबको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 4 × 4 = 60, 60 + 4। इसको हम कर लेते हैं छोटा। 10 × 10 = 60, 15 × 15 = 60 हो गया। तो और भी छोटा, इसे छोटा अब संभव नहीं है। 4/6, 4 × 4 का कितना होगा? 24। 6 × 12 = 24 कितनी बार में आएगा? 4 बार में और 4 इधर में 4
चार के पारा में 24 छः बार में 6 कने 6 और फिर चार के पारा में 24 छः बार में 6 कने 6 कितना मिल गया, ये आपको मिल गया औसत 4 बराबर, औसत 4 बराबर 4, ये तो पूरा दूरी है और समय कितना मिल गया उसको, अब देखिए 4 6 10 और 10 6 16/24, इसका मतलब यही होगा कि ये क्या है, ये भाग का चिन्ह और जब इसको गुणा बनाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 24/16 हो जाएगा, 4 4 16 और 4 6 24, मतलब पूरी उसकी यात्रा में जो औसत 4 रहे कितना रहेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के उसकी औसत 4 रहेगी। कहानी यही है कि मीना को अपने घर से बाजार जाने में जो पूरा औसत 4 लगा वो कितना लगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।